आप लोग लापरवाही बहुत करते हैं। कभी आप अच्छे से बैठिएगा, इत्मीनान से और अपने आप से पूछिएगा कि जितना हमें पढ़ना चाहिए क्या हम उतना पढ़ते हैं। आपका आंसर नहीं आएगा, आप खुद से आंख नहीं मिला पाए, लेकिन आप दूसरी दुनिया में जी रहे हैं। अरे छोड़ो ना, एग्जाम के टाइम पढ़ेंगे, ये नहीं होता है। आप पढ़ने के लिए टाइम निकालते हैं, हद बेशर्मी है। आप पढ़ने के लिए आए हैं, आप टाइम निकालिए फालतू चीजों के लिए। चलो यार खाने पीने के लिए टाइम निकाल देते हैं, चलो हम कहीं घूमने के लिए टाइम निकालते हैं। लड़का की बेशर्मी की हद हो जाती है, पढ़ने के लिए टाइम निकालता है, लेकिन लड़का सब टाइम टेबल बनाएगा पढ़ने के लिए। कितना बेशर्म हो लोग, खुद से सोचे टाइम टेबल किस चीज का होना चाहिए, फालतू फालतू चीज का। चलो 2 से 3 हम खाना पीना खा के आराम कर लेंगे, शाम को 4 से 5 एक घंटा थोड़ा मार्केट में जाएंगे, चाय पियेंगे, हाल चाल दोस्त से मिलेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे ना। दूसरों का टाइम टेबल बनता है पढ़ने के लिए, कितना गलत। आप खुद से सोच के देखिए, आपका पढ़ने का टाइम टेबल होना चाहिए। इसलिए हमेशा जो पढ़ने के लिए टाइम टेबल बनाएगा वो पटने में रह जाएगा। आपका टाइम टेबल होना चाहिए फालतू कामों के लिए, पढ़ने के लिए आए हैं आप, केवल पढ़ने के लिए। समझ आए ना आपको, आपका हर काम पढ़ाई के बाद होना चाहिए। तो आप पढ़ाई से मजाक नहीं करेंगे, ये समय ऐसा है कि ये समय अमृत की तरह है, आप पैर धो रहे हैं अमृत से। विद्यार्थी जीवन में समय बर्बाद करना मतलब अमृत से पैर धुलना, चौपट हो जाएगा। जो भी अपने विद्यार्थी जीवन को संवारा है पूरी दुनिया उसको देखी है, आप अगर इससे खिलवाड़ करेंगे ना चौपट हो जाएंगे। फिर पूरी जीवन आपको संघर्ष करना, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ना आपसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी। हम लोग जब अपने स्टूडेंट लाइफ में पढ़ते थे अभी सोचते हैं तो नहीं हो पाएगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ना पढ़ाई से मन भागेगा। अभी यही उम्र है, पढ़ लीजिए, बाकी आपके हर काम के लिए उम्र बचेगा। आपको जो हरा लाल पीला करना है आप करते रहिए, सबके लिए उम्र बचेगा। उसका तो कोई उम्र ही नहीं होता है यार, पढ़ाई का उम्र होता है। सलमान खान 52 साल की उम्र में लाल पीला हरा कर लेगा, कोई उम्र है? आज सलमान खान से कहिए कि तुम मैट्रिक की पढ़ाई करो, मन ही नहीं लगेगा उसको, उम्र हो जाता है ना। तो अभी आप लोग का उम्र है, लड़का लड़की, लड़कियों को तो और ज्यादा संघर्ष, क्योंकि लड़कों को एक बेनिफिट रहता है, ये 4 साल भी पटना में रह जाएंगे ना तो इनके गार्जियन नहीं पूछेंगे बाबू क्या हुआ, और आप लोग को 1 साल बाद गार्जियन पूछने के कब नौकरी होगा, लग रहा है इसे कोहड़ापुर के लिए आना है, कब नौकरी होगा। गार्जियन को क्या पता कि बिहार SSC का फॉर्म 2014 से अटका हुआ है, 2021 बताए गार्जियन को, उसको क्या पता SSC का मतलब। तो आप लोग ज्यादा करिए, क्योंकि इनकी असफलता से केवल इनकी करियर खराब होगा, लेकिन अगर आप लड़की अगर खाली हाथ लौटेंगी तो पूरे गांव के लोग अपनी बेटियों को नहीं भेजेंगे पढ़ने कि गई तो थी 4 साल रह के आइए, क्या मिल गया वहां पर, उतना का तुमको दहेज दे देंगे यहां पर, समझे। तो आप लोग अपने लिए नहीं, अगर आप असफल हुई ना तो आप पूरे समाज को अगर पीछे। आज लोग, आज किसी के घर में लड़का होता है और लड़की होती है, ज्यादा खुश किस पे होगा, ईमानदारी से। ऐसा नहीं कि लड़कों ने कोई सिंहासन पहन के पैदा हुआ, उसको पता है कि कुछ करेगा लेकिन सफल होगा ही होगा। लड़की सब में ये चीज वो साबित नहीं कर पाई, मौका आपको दिया है साबित करके दिखाइए कि आप लड़कों से कम नहीं है। देहात, मेरी मम्मी क्या कहती थी लड़कों के बारे में, घी के लड्डू टेढ़ो भला, मतलब मोहल्ले में एक लड़का हुआ बड़ा सांवला था, तो लोग कहेंगे लड़का तो बड़ा अच्छा है, नाक नक था पर बड़ा सांवला है, छोटा बच्चा नहीं होता है, तो मम्मी कहे सांवला से क्या मतलब है, लड़की थोड़ी है, घी के लड्डू टेढ़ो भला, मतलब समझ रहे। ऐसा नहीं है कि लड़के कोई सिंहासन पहन के पढ़ते, वो संघर्ष करके जी, वो अलग बात है कि समाज आपको उतना बराबरी का मौका नहीं देता, लेकिन ये मौका दिया है। कलम में वो ताकत होती है, ये तलवार को झुका सकती है, लेकिन इस समय को बर्बाद कीजिएगा तो आप एक समाज में अपराध कर रही हैं। आप लोग याद रखिए, आज महिलाओं की जो स्थिति है उसके लिए जिम्मेदार केवल आप लोग, दूसरा कोई नहीं। अगर हर लड़की अगर सफल हो जाती, लड़कों की तरह सफलता रेट रहता, कौन नहीं खुश हो जाता लड़का लड़की है। आज भी पढ़े लिखे लोग जो होते हैं उनके यहाँ लड़का पैदा हो या लड़की कोई भेदभाव नहीं करता, क्योंकि उनको पता है हमको लड़कों को पढ़ाना है लड़कियों को पढ़ाना है। लेकिन अनपढ़ लोग के घर में लड़कवा को पढ़ाएगा और लड़कियां को पढ़ी में नहीं करेगा, उम्मीद बराबर रखेगा, ये कौन बात है। एगो को मोटरसाइकिल पे बैठा है, एगो को साइकिल पे बैठा है, सोच रहा है साथे पहुंचेगा, कहां से पहुंचेगा सोच रहा है। इसलिए पढ़ाई कीजिए, आप लोग के लिए त्योहार नहीं बना है, कोई त्योहार आपके लिए नहीं बना है। विद्यार्थी जीवन संघर्ष से भरा होता है, जिस दिन संघर्ष कर लीजिए अपने पैसे से त्योहार कीजिए, माँ बाप को आप कराइए यहाँ, और सफल इतना बनिए कि माँ बाप को आपका परिचय देना पड़े। आप अभी आपको पोस्ट ऑफिस से कोई एड्रेस मंगाते हैं तो आप अपने पिता का नाम लिखते होंगे उनके यहाँ पर, और हमारे पिताजी कुछ मंगाते हैं तो मेरा नाम लिखते हैं खान सर के यहाँ। तो ऐसा कीजिए कि आपके पिताजी जब कोई मंगाएंगे तो आपके नाम पे कहें कि ले आना है यहाँ पर। हमेशा पिताजी का बहुत सहारा लिया आपने, अब वक्त आ गया पिताजी को आराम दे।
यही मौका है, दिखा दीजिए ताकि वो भी गर्व से कह सके उन्होंने आप जैसे होनहार संतानों को जन्म, नहीं तो खाली हाथ लौटेंगे, खुद अपने आप को कोसते रह जाएंगे और कुछ नहीं होगा। तो मन लगा के पढ़ाई कीजिए।